और शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट को जिसका नाम होगा भूगोल, विश्व के भूगोल। उसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के हम कंटेंट को आज हम लोग समझेंगे, उस ब्रह्मांड में सामान्य अवधारणा क्या है। फिर उसके बाद हम लोग चलने की कोशिश करेंगे अगले कंटेंट की तरफ। तो आइए देख लेते हैं, पहले आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हमने उपलब्ध करा दिया है। आंसर यदि मालूम है तो मेरे पढ़ने से पहले आंसर कमेंट करते चलिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? UPPCS में यह क्वेश्चन पूछा गया है मेन्स 2016 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के किसके उद्भव की बात बताता है? तो ब्रह्मांड का सबसे पुख्ता जो है सिद्धांत इसी को माना गया है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, यह प्रश्न आपके सामने है। इसका अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए और मैं आपको बताते चलता हूं कि इसका सही आंसर है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। पहले इसको 88 बोला जाता था लेकिन अब इसकी कुल संख्या 89 हो गई है। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, इसकी सही संख्या है 89 तारामंडल है। दोस्तों अगला प्रश्न, BPSC शिक्षक भर्ती के लिए यह महत्वपूर्ण कंटेंट होगा। बिना वीडियो को स्किप किए हुए आपका एक एक नंबर्स इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखते चलिए। आज के इस वीडियो में हम MCQ आपको करा रहे हैं, NCERT से संबंधित है, जो बिहार BPSC शिक्षक भर्ती के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है प्रश्न आपके पास? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है या एक मृत प्राय तारा है? तो सुपरनोवा जो है दोस्तों एक प्रकार का मृत प्राय तारा का नाम है। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम BPSC के माध्यम से देख करके उसके विचारों को समझते हुए और हम यहां से आपको निकालने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। अधिक से अधिक मैंने जहां तक वो इंतजाम कर सकती है BPSC आपकी, वहां तक हम पहुंचने की पूरी कोशिश किए हैं कि आप अच्छे से उसको क्रैक कर पाइए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह कलर का है या तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के ताप से कहीं अधिक है। प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? प्रश्न आपके सामने फिर से मैंने दोहरा दिया है। कहता है कि आकाश स्याह काला दिखाई देगा, यानी कि स्याही रंग के कालापन दिखाई देगा आकाश। तारे टिमटिमाते नहीं हैं ऐसा दिखाई देगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति हैं तब अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। दोस्तों याद रखिएगा, आकाश उसको काला दिखाई देगा, ये बात सही है, और उसे तारे टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आएंगे। इस प्रकार से आकाश स्याही काला का दिखाई देगा और तारे टिमटिमाते नहीं हैं ऐसा उसको नज़र आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। आकाशगंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर इस वीडियो में आप इससे पहले हमारे पढ़ने से पहले आंसर जानते हैं तो इसी तरह कमेंट करते चलिए, बिल्कुल बढ़ते चलिए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में? तो आकाशगंगा जो है वह सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में दोस्तों वर्गीकृत किया गया है। UPPCS प्री 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया था? कृष्ण छिद्र यानी कि सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा, कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले अपने ही देश के व्यक्ति एस चंद्रशेखरन है। याद रखिएगा, छठे नंबर का सही आंसर होगा सी, कृष्ण छिद्र यानी कि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम एस चंद्रशेखरन है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण है इसका? फिर से समझेंगे, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो कि किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का मुख्य कारण क्या है? तो इस गुण का मुख्य कारण है बहुत उच्च घनत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का मुख्य कारण है कि वह बहुत उच्च घनत्व का होता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट था। आठवां नंबर प्रश्न SSC यानी कि GRE ग्रेड में पूछा गया है, ग्रेजुएशन लेवल्स की कोर्स है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा,
कृष्ण मास्टर या क्वाशर। प्रश्न आपके सामने फिर से दोहरा देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से जो खगोलीय वस्तु नहीं है वह है कृष्ण मास्टर, पल्सर, भंगुर तारा और क्वाशर। ये तीनों के तीनों खगोलीय वस्तु हैं, लेकिन कृष्ण मास्टर किसी प्रकार का खगोलीय वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। 90 का सही आंसर होगा 25 करोड़ वर्ष। याद रखिएगा, हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी है, सभी जानते हैं, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगेगा। तो याद रखिए, कुल मिलाकर के 25 करोड़ वर्ष लगता है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को। आगे बढ़ते चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। 10वें का सही आंसर होगा नक्षत्र, इसी को तारामंडल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर वर्ड को कंफ्यूजन किया गया है आपके लिए। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र यानी तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल तो दिया रहता था, आप बिल्कुल खटाक से आंसर कर देते, तो वर्ड से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। और बीपीएससी के चेयरमैन उत्पल कुमार ने बोला भी है कि हमारी काम है कि आपको जांचना, हमारा काम है आपको फंसाना, और आपका काम है कि उस फंसे हुए बातों से आगे की तरफ निकल जाना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। प्रश्न को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? आपके पास 11वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा कि वह विषुवत रेखा पर स्थित है, यानी क्षैतिज पर वो लंबवत रूप से अगर देख रहा है तो वह विषुवत रेखा पर है। आप सभी समझते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो है बीचों बीच वाली भाग जो रेखा काटा गया है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, इसी रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो विषुवत रेखा पर वह व्यक्ति खड़ा होगा। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि तारे का रंग सूचक है, किस कारण तारे में रंग होती है। वह कौन सा कारण है जिसके वजह से तारे जो है हमें रंगीन नजर आते हैं, यानी कि पीले कलर के आते हैं या फिर व्हाइट कलर के नजर आते हैं या फिर कुछ टिमटिमाते हुए कलर्स में को अलग अलग प्रकार के कलर्स नजर आते हैं। तो तारे के इस रंग का सूचक मुख्य रूप से कौन है? उसकी तापमान। तापमान की वजह से तारे का रंग पता चलता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, यानी कौन सी वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम तारों के बीच की दूरी निकालते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में प्री 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष प्रयोग करते हैं, 9.46 × 10^15 या 9.46 × 10^12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हम लोग इसको निर्धारित करते हैं। दो तारों के बीच यानी कि प्रकाश दो तारों के बीच में दूरी निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका एक अन्य जो है खगोलीय मात्रक भी होता है, जो है प्रकाश वर्ष उसके बाद सबसे बड़ी मात्रक होती है अगर देखा जाए दूरी की, तो वह पारसेक होती है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की एक प्रकार की मात्रक है दोस्तों। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। प्रश्न है आपके सामने कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। प्रश्न है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है, उसको हम लोग चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, और उम्मीद कीजिए लगातार इसको एक नोट्स बना लीजिए या पढ़िए, दो बार तीन बार इस वीडियो को देख रहिए, याद हो जाएगा। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, तारे का नाम क्या है। इससे पहले कि हम आपको क्वेश्चंस पढ़ाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जितना आप अगर दिखाइएगा हमें उतने हम आगे आपको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों प्रश्न है कि हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है, उस तारे का नाम क्या है। 15 का सही आंसर है उस तारे का नाम बीटल ग्यूस है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है, उस तारे का नाम बीटल ग्यूस है। उम्मीद करते हैं कि सही प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे।
प्रश्न है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है, यानी कि तारों के घटना के कारण या तारों के वजह से घटित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी घटना है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको कृष्ण वीवर के नाम से जानेंगे। प्रश्न है कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, उसे कृष्ण वीवर के नाम से जानते हैं। 16 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तुरंत बताया गया है कि प्रकाश वर्ष एक प्रकार की दूरी का मात्रक है। 18 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाले हैं, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कथन ए कहता है कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। प्रश्न को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और कारण कहता है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बचकर निकलने नहीं देता। फिर से प्रश्न समझ लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कथन है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बचकर निकलने नहीं देता। बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका नाम कृष्ण छिद्र पड़ा हुआ है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। एकदम बिल्कुल भूत वाला क्वेश्चन, घबराए नहीं। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में खड़ा था, अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, तो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव तारे किधर से किधर निकलते हैं। तो जी हाँ, ध्रुव तारे के बारे में डिटेलिंग करेंगे तो सही आंसर इसका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, कि ध्रुव तारे को अपनी बाई ओर रख करके चलेगा, उत्तर दक्षिण दिशा को छोड़ करके इधर जिसको जाना है उस तरफ बाई रख करके यह निकलेगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें फिर से प्रश्न एक बार दोहरा लेते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन ऐसा वर्ड है जो अंतरिक्ष की शब्दावली में से नहीं आता है। 20वें का सही आंसर है ऑप्शन दोस्तों बाइट, क्योंकि यह बाइट जो आप देख रहे हैं वह कंप्यूटर से संबंधित है। अदरवाइज टेलीमीटरिंग, भारहीनता और सिसलूनर, ये चारों तीनों के तीनों वर्ड्स जो हैं वो अंतरिक्ष शब्दावली हैं, लेकिन बाइट जो है दोस्तों वो सभी जानते हैं ये कंप्यूटर से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि आंसर आप जानते हैं तो आप हमें आंसर कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि 21 नंबर क्वेश्चंस का दोस्तों ऑप्शंस यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जानते होंगे आप। अब थोड़ा सा लोअर क्वेश्चन आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी कहां स्थित है। तो पृथ्वी का स्थान आपसे पूछा जा रहा है, इसके लिए आपको क्रम ध्यान में रखना होगा कि कौन कितने नंबर के पर आता है। तो सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, और शुक्र के बाद जो पृथ्वी आती है वो तीसरे नंबर पर आती है, तो और उसके बाद मंगल आता है। तो शुक्र और मंगल के बीच में मुझे लगता है कि पृथ्वी आनी चाहिए। तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुक्र एवं मंगल के मध्य में आती है अपनी पृथ्वी, जिस पर जीवन अस्तित्व संभव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। जितने लोग आंसर कमेंट किए हैं उनको शुक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। आप लोग कमेंट करते चलिए, रुकिए नहीं, अपने आप को रुकिए नहीं। आपका नाम नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाइए, आप अपना काम करते चलिए जैसे मैं अपना काम करते रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है और इसका सही आंसर है निहारिका जो है दोस्तों वह सौर मंडल का भाग नहीं है। अदरवाइज क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों के तीनों जो है सौर मंडल के भाग है। ये बीपीएससी में 53वीं में पूछा गया, बीपीएससी 55वीं में पूछा गया, बीपीएससी प्री में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 53 और 55 दोनों में। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है 25 नंबर,
कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। याद रखेंगे 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जितने भी हमारे सौर परिवार में ग्रह हैं उनमें से जो है हमारा ग्रह जो पृथ्वी है, सौर परिवार में सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सबसे ज्यादा सघन कौन सी है? तो पृथ्वी है। याद रख रहिएगा सबसे ज्यादा सघन कौन सी ग्रह है? तो अपनी पृथ्वी। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बता देना है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, कोई शक नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक जो है चमकीला ग्रह वह शुक्र है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के 26 का डी ही बच गया, यही आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे सौरमंडल का मंदम गति वाला ग्रह मंगल नहीं है, यह आंसर सही नहीं था, यह मिलान सही नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर था, यानी कि गलत किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एमपीपीसीएस में, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। सही आंसर है इसकी बात जो है रखने वाला व्यक्ति है कॉपरनिकस, उसे सौर मंडल का खोजकर्ता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यह प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये अप्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते हैं, ये प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, और ये प्रकाशमान भी हैं और चमकीले भी होते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न है कि ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, क्योंकि यह जो अपना प्रकाश है दोस्तों वो ग्रह अपने मतलब किससे लेते हैं? सूर्य से लेते हैं, और सूर्य से लेकर तब चमकते हैं। तो ये ग्रह खुद में अप्रकाशमान होता है लेकिन चमकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा उसे नीचे दिए गए जो है आपको कूट किसे चुनना है, तो बृहस्पति पहले नंबर पर आ जाती। ऑप्शन आपको सजाया नहीं गया है, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों और ध्यान से देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न कहता है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? आप तो बिल्कुल अब आसान से बता दीजिएगा कि सूर्य के निकटतम बुध ग्रह है। अब बिल्कुल साधारण क्वेश्चन आने लगे, गौर कीजिए कि आप इसके अंतर दे पाइएगा। निम्नलिखित ग्रहों को उसकी सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे नजदीक कौन हो जाएगी? मुझे लगता है कि पहले नंबर पर दूसरी नंबर ऑप्शन आ जाएगी, यानी पृथ्वी सबसे नजदीक हो जाएगी जो दिए गए ऑप्शन में है। तो 32 का कहता है कि 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा देख लेंगे, कहता है कि पृथ्वी पहले नंबर पर आ जाएगी, दूसरा वाला ऑप्शन पहले नंबर पर और कोई नहीं है, और जो बृहस्पति है ठीक उसके बाद में, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद में और प्लूटो सबसे अंत में, और आप सभी जानते हैं कि प्लूटो को ग्रह की संख्या से हटा दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको पता चल रहा होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? यह दिया गया जो ग्रह है उसमें से आपको चुन लेना है। एसएससी मैट में क्वेश्चन पूछा गया 2001 में। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से बता दीजिए कि कौन सौर मंडल का कोई सौर मंडल का सदस्य नहीं है, ग्रह नहीं है। तो बुध तो है, देख रहे हैं शुक्र भी है, और उसके बाद 33 नंबर को देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लोरिडा, इसका कोई ग्रह नहीं है। शनि, शुक्र और बुध तीनों के तीनों आठों ग्रह में से हैं, लेकिन आठों ग्रह में फ्लोरिडा मैंने कभी नहीं पढ़ा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सी ग्रह है, ये आपसे पूछा गया है। तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में उपस्थित रहने वाली जो ग्रह है, सूर्य और किसके बीच में, पृथ्वी के बीच में, तो बुध और कौन है, शुक्र है, क्योंकि सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके आगे देखते चलिएगा। यूपीपीसीएस जीएआईएस में 2010 में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा।
35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन जो है शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचार पत्रों में देखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। याद रखेंगे बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की मतलब सिस्टम जो होती है वो गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जानी जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान होती है। हाइड्रोजन हीलियम तथा मीथेन जो हैं ये प्रमुख रूप से गैस हैं जो कहाँ विद्यमान है। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति शनि तथा मंगल। तो हाइड्रोजन हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान होते हैं। यह बृहस्पति पर भी है, यह शनि पर भी है और यह मंगल पर भी है। तो ये तीनों ग्रहों पर ये सभी गैस उपस्थित हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, 37 नंबर प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कर दीजिए। प्रश्न देख लीजिए, सही मैंने सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर देना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन हमको कर देना है। तो आपके पास दिया गया है, एक तरफ ग्रह दिया गया है, उपग्रह दिया गया है, पुच्छल तारा दिया गया है, कृत्रिम उपग्रह दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बिंदु को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। 37 नंबर प्रश्न को आगे बिलाने की कोशिश करते हैं। 37वें नंबर का सबसे पहले उपग्रह, याद रखिए ग्रह तो दिए गए ऑप्शन में से ग्रह कौन सा है, तो याद रखिए इसको हम लोग यूरेनस से मिला लेते हैं दोस्तों। पहले इसको सीधा कर लेते हैं, पूरा ग्रह को हम लोग यूरेनस से मिला देते हैं, हो गया। उपग्रह को चंद्रमा से मिला देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ए का दूसरा और बी का पहला ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, तो ए का दूसरा ऐसे दो दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ। पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह दिए गए में से अगर हम लोग खोज लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि यह बिंदु आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पहचान लीजिएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, ग्रह को किससे मिलाया, यूरेनस से। उपग्रह किससे मिलाया, चंद्रमा से। अब 37 नंबर में आगे भी देख लेंगे, अब आता है आपके पास पुच्छल तारा। तो पुच्छल तारा जो है दोस्तों यहां पर यह मेराइनर एक पुच्छल तारा है और कृत्रिम उपग्रह जो है हैली है। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि डी का चौथा नंबर, नहीं सी का चौथा नंबर, थोड़ी सी गलत मिस्टेकिंग हो गई है। एक बार देखिएगा, ग्रह को किससे, यूरेनस से। उपग्रह को आपको किससे मिलाना है, जो है हम लोगों को चंद्रमा से। और उसके बाद जो है सी नंबर का मिलान जो हो जाएगा वह चौथे से हो जाएगा। पुच्छल तारा हैली एक पुच्छल तारा है, कई सालों पर ये दिखाई देती है, मिस्टेकिंग दिमाग से उतर रहा था सर। कृत्रिम उपग्रह जो है मेराइनर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो होगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं आप, हमने मिलाने की पूरी कोशिश किया, एक बार मिस्टेक भी हो गया, कोई बात नहीं, आगे देखते चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है, केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन। तो 38 का सही आंसर है दोस्तों कि हमेशा अमावस्या के दिन ही क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, वही पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों। आगे बढ़ते चलते हैं और अगला 39 नंबर क्वेश्चन है। अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे, खत्म हो जाएंगे। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, सूर्य का जो आकार है वह पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है। सही आंसर है कि सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग 109 गुना बड़ा है। आरआरबी कोलकाता एएसएम 2005 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आइए 40वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके कारण से उत्पन्न होती है। तो सूर्य में ऊर्जा जो होती है वह नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। देखिए संलयन लिखना चाहिए तो संचयन हो गया है, बट कोई बात नहीं है, नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य अपना ऊर्जा मुक्त करता है। आगे है कि सूर्य का प्रभाव मंडल यानी कि हालो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, इसके बारे में आपको बताने हैं। तो देखेंगे अस्तरी मेघों के जलवाष्प में, पक्षाभ कपासी मेघों के हिम स्पिटकों में, या पक्षाभ मेघों के हिम स्पिटकों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षाभ मेघों के हिम स्पिटकों की वजह से सूर्य का प्रभाव, ये प्रभा मंडल प्रकाश के ऊपर उत्पन्न करता है। प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण लगने का मुख्य कारण क्या है। तो देख लीजिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, जब चंद्रमा, फिर से समझेंगे, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो सूर्य व पृथ्वी के बीच में जब ये चंद्रमा आ जाएगा तो उस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। और चंद्रमा और किसके बीच में, पृथ्वी के बीच में, जिस दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच में
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब ये चंद्रमा घुस जाएगा तो उस दिन दूसरा कंडीशन होता है। तो जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसकी छाया पड़ने लगती है, किस पर? सूरज पर, और हमें सूरज पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, 43वां नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सूर्य की दूरी हमारे पृथ्वी से लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अंतिम नंबर क्वेश्चन आज के इस वीडियो और आज के इस कंटेंट का प्रश्न है कि हीरक वलय का दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस और रह जाएगा, देखेंगे। हीरक वलय का दृश्य जिसे देखा जा सकता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि केवल पूर्णता पथ चीन के परिधीय क्षेत्रों में। इसको आप थोड़ा सा हटा दीजिएगा, दिमाग से इसको उतार दीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ये सही प्रश्न देखिए, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। एक खगोलीय एकक जो है, वन एस्ट्रोमोनिकल यूनिट जो है, औसत दूरी किसने की मानी जाती है? तो एक खगोलीय एकक औसत दूरी किसकी है, किसकी अंदाजा लगाते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की। तो एक खगोलीय एकक औसत दूरी किसके बीच की है? तो एक खगोलीय जो एकक है या औसत दूरी जो है, एक खगोलीय मात्रक जो होगा वो किसके बीच की दूरी को बताता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक औसत दूरी कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूर पर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? देखेंगे, पृथ्वी सबसे निकट दूरी पर होती है, इस घटना को एक बिंदु के नाम से जानते हैं और वह है उपसौर। तो याद रखेंगे, सबसे नजदीक कब होती है? 3 जनवरी को। और सबसे दूर कब होती है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि कब जो है वह कौन सा दिन है जो पृथ्वी सबसे दूर होती है। तो पृथ्वी सबसे निकटतम उपसौर होती है 3 जनवरी को। आगे बढ़ते चलते हैं, इसी में अवसर है, देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे ही देगा ये। उसके बाद कहता है खग्रास, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्या कारण है कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वह कुछ ही जो है भू क्षेत्र पर ही दिखाई देता है, संपूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। खग्रास यानी कि सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने कुल 47 क्वेश्चन कराया। मिलेंगे कल इसी समय शाम को 8 बजे, जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया, जय हिंद।